ठीक है, अभी आप ये बोल रहे हो, मे बी आगे आप मूव ऑन हो जाओगे लाइफ में, क्योंकि कभी भी एक जो इंसान होता है ना वो सेम नहीं रहता, चेंज होता है। ये आपकी अभी की फीलिंग है, बट मैं आपको आज इधर इसी स्टेज में बोलती हूँ, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आप दादा बनोगे, सब होगा, आपको प्यार भी मिलेगा अगला। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी, एक तो पैचअप होते रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है। आप जिसको प्यार करते हो उसको भगवान का दर्जा दो, वो देना चाहिए, क्योंकि प्यार है ही ऐसी चीज। अगर आप आपके पास है वो नहीं है, उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स भेजो, इट्स ओके, उसकी भी अपनी जिंदगी है। अगर उसको आपके साथ नहीं रहना था, कोई बात नहीं, वो आपकी जिंदगी में आई, थोड़ी देर आई, वो आपका कोई लेन देन था, वो खत्म करके आगे बढ़ गई, बट आप वहीं मत अटके रहो। फिर अब जब आप जिंदगी में भगवान के पास जाओगे ना, भटकते रहोगे। सो थोड़ा रिलैक्स, मेडिटेशन करो और उसको वाइब्स भेजो और मूव ऑन हो जाओ। मूव ऑन होना इसका मतलब ये नहीं दूसरा कोई ढूंढ लो, पेट इट्स ओके, गई ना, कोई बात नहीं, बट उसको बार बार अगर इम्पोर्टेंस देते जाओगे ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़ी अक्कड़ में रहो ब्रो, बात तो सही है। ऐसे पता क्या होगा, वो सोचेगी हाँ ठीक है, तो मेरे पीछे लट्टू है, चलो कोई और देखते हैं। ऐसे मत, उसको इतना बड़ा होके दिखाना, ये दर्द जो है ना अपनी आर्ट में यूज कर, और इतना बड़ा हो जाना वो कहे यार काश ये मेरा होता, अब कैसे पाऊंगा। तू बाद में बोले, तेरे आगे पीछे लाइन होनी चाहिए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर तूने अगली बार ये बोला कि मैं तो उसके प्यार में, तो माइक यही सर पे बजे